हे फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में विंटर्स इंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, हमें सारे ही धर्मों के त्यौहार, सारे रिलीजन्स के त्यौहार हमें थोड़े बहुत तो मना ही लेने चाहिए। इससे हमें भी अच्छा लगता है और दूसरे लोगों को भी अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंटी डैंड्रफ हेयर मास्क, जो कि हमारे हेयर्स के लिए और हमारे हेयर्स के ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर फॉल्स के लिए, हमारे हेयर्स के वॉल्यूम के लिए और सभी तरह से ये बहुत ही बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें चाहिए फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स में, यानी कि मेथी दाना में होता है फॉलिक एसिड और विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स एंड विटामिन सी, एंड रिच इन मैनी मिनरल्स लाइक कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक एंड रिच इन विटामिन के। फ्रेंड्स, मेथी दाना जो होता है हमारे बालों की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है और बालों को बहुत ही सॉफ्ट बना देता है। फ्रेंड्स, मेथी दाना में नेचुरल कंडीशनर पाया जाता है जो हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा कंडीशनिंग करता है। इससे हमारे स्कैल्प में इचीनेस नहीं रहती है, हमारे स्कैल्प ड्राई नहीं रहती है और हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ की समस्या को भी ये ख़त्म कर देता है। फ्रेंड्स, आपको हफ्ते में ये 2 से 3 बार आप ये हेयर मास्क लगाएं और फ्रेंड्स, आप डैंड्रफ की समस्या को भूल जाएं। और अगर आप इस हेयर मास्क को नियमित रूप से बीच बीच में इस्तेमाल करते रहेंगे, महीने में 2 बार 3 बार, तो आपको कभी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और बाकी सारी समस्याओं के लिए भी मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेथी दाना हमारे बालों को रीग्रोथ करता है और हमें गंजेपन की प्रॉब्लम से भी बहुत हद तक छुटकारा दिला देता है। फ्रेंड्स, पोटेशियम बालों को समय से पहले वाइट होने से रोकता है। तो फ्रेंड्स, हमें इसके लिए 2 से 2.5 चम्मच मेथी दाना चाहिए, जिसे कि हम रात को थोड़े गुनगुने पानी में सोख करके रख देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स, हम सुबह में इसे ग्राइंड कर लेंगे एलोवेरा जेल के साथ। इतना ही हमें एलोवेरा जेल लेना है जितना कि इससे पेस्ट बन जाए। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल तो आपको सभी को पता है कि एलोवेरा जेल हमारे हेयर्स के लिए कितना ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये हेयर मास्क हफ्ते में 2 बार या 3 बार इस्तेमाल करें और फ्रेंड्स, के बाद आप अपने हेयर की होने वाली सारी समस्याओं से बिल्कुल छुटकारा पा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप हेयर मास्क लगाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी से अपने हेयर्स को धो लें और उसके बाद कंडीशनिंग करके कोई भी हेयर ऑयल लगा लें, अपना अच्छा सा हेयर ऑयल। सो फ्रेंड्स, मैंने जो हेयर ऑयल बनाया था, मैं वही हेयर ऑयल लगाऊंगी। अगर आपको भी नेचुरल हेयर ऑयल कोई चाहिए तो उस हेयर ऑयल की रेसिपी और इस हेयर ऑयल की रेमेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो आप या वहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर मैं आई बटन पे भी डाल दूंगी, आप वहाँ से वो होम रेमेडी देख सकते हैं और हेयर ऑयल अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको इस हेयर मास्क ने किस तरह से आपको फ़ायदा दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही अच्छी अच्छी होम रेमेडी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।